हमने पढ़ने की कहानी है, हमने पढ़ने की कहानी है, पढ़ता कहानी एजुकेशन प्रोग्राम को हम लोग शिक्षा सुमन भी बोलते हैं। ये अभी हम लोग दो स्टेट्स में चला रखे हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इस पूरे प्रोग्राम के द्वारा हम लोग फंक्शनल लिटरेसी पे काम करते हैं। फंक्शनल लिटरेसी से हम लोग ये समझते हैं कि जो औरतें या जो लड़कियां जो हमारे पास पढ़ने आ रही हैं, उनके लाइफ में इस पढ़ाई के द्वारा क्या चेंजेस होंगे। वो चेंजेस बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो चेंजेस इंक्लूड करते हैं कि वो लोग अपना नाम लिखना सीख जाएं, बैंकों में अकाउंट नंबर लिखना, बैंकों से रुपया डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, अपने बच्चों को देखना संभालना कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो कहीं बाजार में गए तो वो कहीं ठग ना जाए, किसी द्वारा छल ना हो पाए, अकेले एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाए। तो ये सब हमारे मकसद हैं AEP के। ना करो पढ़ाई तो कुछ आविया नहीं, और पढ़ोगी तो सब कुछ आविया। कहीं जाओगी आवोगी कहीं तो देख ले, समझ ले, पढ़ ले। लिखन को अच्छी चीज है पढ़ाई, कोई बुरी चीज थोड़ी है। और लड़कियों को आए भी रहा, पढ़ भी रही है सब। मेरा नाम फरहान अभी है, मैं ग्राम बने की रहने वाली हूँ। और मैंने पढ़ाई वी फाइनल किया है, और मैं पढ़ाना इसलिए चाहती हूँ कि जैसे कि मैं पढ़ी हुई थी तो JRF कंपनी वालों ने मुझे खोज के लगाया है। ऐसे ये लोग पढ़ी हुई होती तो ये ज़रूरत न पड़ती कंपनी को पढ़ाने की। हर माँ बाप के लिए अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। जब मैं शुरू नंबर पढ़ाई स्टार्ट की थी तब लड़कियों के फॉर्म भर रही थी तो माँ बाप कहते थे पढ़ के ये नहीं कुछ बन पाएंगी, न डॉक्टर बनना है न जॉब करनी है, इस पढ़ाई से होना क्या है। तो अब मुझे पता चला है कि माँ बाप भी भेजते हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए कि जाओ, इससे आपके लिए बैंक का फॉर्म भरना सीख लेंगी आप लोग, मोबाइल नंबर है। या मैं समझाती हूँ कि जैसे कि दवा लेने जाती हूँ एक्सपायर डेट हो जाती है तो इस पर कैसे करना चाहिए, इस तरीके से अब सब पढ़ने आती हूँ और अब दिक्कतें भी कम हैं। हमें ऐसा लगता है हमारे भाई पढ़ने जाते, अगर हमें जाने को मिलता तो हमें बहुत अच्छा ही लगता पढ़ने को जाते। हमारा मन ललचा के रह जाता है कि हम सोचते हैं हम बड़े हो गए तो हमें घर में बाहर जा ही नहीं मिल रहा, और ना ही जाते हम बाहर। जैसे मतलब पढ़ के आते तो अच्छे बनते, अच्छे इंसान, अच्छी बातें होती हमारे अंदर, और जब पढ़ना नहीं आता तो कुछ भी नहीं है। हमें हिंदी भी पढ़ना आएगी और इंग्लिश भी आएगी, गणित भी आएगी, और इसमें जैसे अपने गणित उड़ित पढ़ना आ जाएगी हमें तो हिसाब में कोई दिक्कत नहीं होगी, और हिंदी इंग्लिश पढ़ना आएगी तो हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने अपनी अम्मी से ये बोला कि अम्मी तुम अपनी सिग्नेचर करना सीख जाओ, मतलब साइन करना। पापा से भी कहा कि तुम साइन करना सीख जाओ, और बताया भी उन्हें जैसे कि इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से पढ़ा जाता है। इस AEP के द्वारा हम लोग दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं वो है जुड़ाव। हमारे व्यूवर्स के साथ हमारा कैसे जुड़ाव हो, कैसे वो उनके अंदर अपनत्व आए, और कंपनी के प्रति वो कैसे ज़्यादा और ज़्यादा समर्पित हो पाए, उन बातों को समझ पाएँ जो एक अनएडुकेटेड या इलिटरेट होने के कारण वो ना समझ पा रहे हैं।